हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने कवर किया थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन हमने देखा केमिकल इक्विलिब्रियम, और अब जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं वो यूनिट है आपकी फेज रूल या हेटरोजेनियस इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं, विषमांगी साम्य। तो जो शब्द है विषमांगी या इसको कहें हेटरोजेनियस, हेटरोजीनियस जो वर्ड है, या आप बात करें फेज की, तो ये जो फेज है कब कहेंगे कि एक ही फेज है या मल्टीपल फेज हैं या सिस्टम हेटरोजीनियस है या होमोजीनियस है। तो पहले हम ये टर्म समझें, हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम या फेज रूल। फेज रूल इसी को जस्टिफाई करने के लिए है। पहले जब आप पुराना सिलेबस देखें यूजीसी का, तो उसमें ये टॉपिक हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम के नाम से था। अभी जो आपका सिलेबस है इसमें ये टॉपिक फेज रूल के नाम से है। बट बेसिकली फेज रूल वो नियम है जिसके आधार पे हम हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम को समझते हैं, स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ बाई मीन्स यू कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम, दैट इज फेज रूल। अब जो शब्द है हेटरोजीनियस और होमोजीनियस, तो इससे मतलब क्या है? जीनियस मीन्स जो जीनस, यहाँ पार्ट है हेटरोजीनियस, तो ये वर्ड है, इसका मीनिंग होता पार्ट। हेटरो मीन्स होता डिफरेंट और होमो मीन्स होता है सेम। तो अगर आपने कोई सिस्टम लिया है और उसके सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट पदार्थ एक जैसा है, उसकी चर राशियाँ एक जैसी हैं, चर राशियाँ वेरिएबल्स, तो जनरली जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने शुरू से इस सेकेंड ईयर में जब से हमने लेक्चर्स लेना शुरू किया है, वहाँ से हम कहते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, ये चार मोटे वेरिएबल हैं जिसमें से इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं कि सिस्टम के हर पार्ट में प्रेशर, टेम्परेचर और उसके कंपोजिशन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है ऑल अराउंड, आप कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते कि ये भाग इससे अलग है, तो आप कहेंगे कि वो सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है। और एक से ज़्यादा होमोजीनियस सिस्टम अगर किसी में हो, तो वो सिस्टम हो जाता है हेटरोजीनियस। जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक से ज़्यादा केमिकल नहीं हो सकते, होमोजीनियस है तो, और इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही जो केमिकल है वो दो एक तरह से आप कहें जेनेसिटी नहीं रख सकता। इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके हम देखेंगे आगे। तो ये जैसे मैं अगर वेपराइजेशन की बात करूं, तो वहाँ दो फेज हैं, एक गैस फेज है, एक लिक्विड फेज है। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वो सिस्टम कैसा है, वो सिस्टम हेटरोजीनियस है। एक पार्ट में जो फेज है वो आपकी गैस है, दूसरे पार्ट में लिक्विड है, सिस्टम एक ही है, और मतलब कंपोनेंट एक ही है, H2O कंपोनेंट एक ही है, लेकिन दो फेज है। सिस्टम कैसा हो गया? हेटरोजीनियस। अगर एक बंद कंटेनर में आपके पास वाटर है और उसकी वेपर है, तो वाटर और वेपर दो अलग अलग फेज हैं। आप आसानी से अलग देख सकते हैं, ये वेपर पार्ट है और ये वाटर पार्ट है। तो कंपोनेंट एक है लेकिन फेज दो है, सिस्टम हेटरोजीनियस है। एक कंटेनर है जिसमें N2, H2, Cl2 ये तीन गैस हैं, इनका मिक्सचर भरा है। कंपोनेंट तीन है लेकिन आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किस पोर्शन में कौन सी गैस है। दैट मीन्स उसका पूरे सिस्टम में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनानिमस है, एकदम समान है। आप कहीं भी किसी भी पोर्शन, उसका छोटे से छोटा हिस्सा भी लेंगे, तो वो वही कंपोजिशन डिफाइन करेगा जो वो पूरा सिस्टम डिफाइन कर रहा है। तो पूरे सिस्टम में प्रेशर, टेम्परेचर और उसके कंपोजिशन को आप अगर देखें, तो पूरे सिस्टम का कंपोजिशन एक जैसा है, जबकि ये मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है। तो जो हम हेटरोजेनेसिटी या होमोजेनेसिटी की बात कर रहे हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन से नहीं कर रहे हैं, उसके व्यवहार से, उसके दिखने से कर रहे हैं। कि अगर आप दो
कंपोनेंट्स को या दो फेजेस को मैकेनिकली अलग कर सकते हैं तो वो दो फेज हैं, लेकिन अगर आप उसे मैकेनिकली अलग नहीं कर सकते हैं तो वो एक ही फेज है। जैसे इनको हम केमिकल बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल वर्च्यू वी कैन डिफरेंशिएट और वी कैन सेपरेट दीज थ्री गैसेस, बट ऐसा कोई मेथड नहीं है आपके पास केमिकली कि आप छान लें, निथार लें या कोई ट्यूब लगा के हाइड्रोजन अलग कर लें और नीचे आपके भारी क्लोरीन बच जाए और बीच में आपके नाइट्रोजन आ जाए, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स होमोजेनेसिटी जो चीज़ है वो उस सिस्टम की प्रेजेंस है। अब इस हेटरोजीनियस सिस्टम को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, तो आप देखें कि अगर मैं पानी को गर्म करता हूँ तो वाष्प बनेगी, दो फेज वहाँ आएंगी, और मैंने मान लो एक कंटेनर लिया जिसमें पानी भरा है और ऊपर वेपर है उसकी, और मैं उसके किसी कॉर्नर से अचानक से लिक्विड नाइट्रोजन पास कर दूं तो ये वाला पार्ट फ्रीज हो गया, तो ये यहाँ कितनी फेज हो गई, तीन फेज हो गई। तो क्या ऐसा संभव है कि 90 डिग्री जब टेम्परेचर है आपके पूरे सिस्टम का, उसके किसी कॉर्नर में गैस की प्रेजेंस, उसकी बर्फ़ या आइस की प्रेजेंस हो सकती है? ऐसा क्यों होता है कि पानी को गर्म करने पर वो वाष्प में परिवर्तित होता है या आइस को गर्म करने पर वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जबकि आयोडीन को गर्म करने पर डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो जनरल आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देता है ये टॉपिक हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम या फेज रूल। जैसे जब आप देखें शीत लहर चलती है तो जो वाटर वेपर है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, अलास्का या साइबेरियन जो प्लेन्स हैं रशिया के, वहाँ देखें आप तो जो वेपर्स है, अगर उसी की वजह से वहाँ क्या है, जो जब वहाँ ये विंटर में जो विंड्स हैं उनसे डायरेक्ट उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, आइस में, स्नोफॉल होता रहता है। तो ये सब चीज़ों ऐसा क्यों होता है या किन कंडीशंस में होता है, कौन से वेरिएबल्स उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, फेज का क्या मतलब है या उसमें कितने कंपोनेंट हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। फेज रूल 1876 में गिब्स ने ये बता दिया था, जे डब्ल्यू गिब्स, ये वही गिब्स हैं, गिब्स फ्री एनर्जी वाले जर्मन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक रूल दिया था फेज रूल। तो मैं बात करूं कि अब ये इक्विलिब्रियम विषमांगी साम्य क्या है, हमें ये पता चल गया होमोजीनियस क्या है, हेटरोजीनियस क्या है, दीज टू टर्म्स बाय मींस ऑफ फेज नॉट बाय देयर कंपोजिशन। फेज, फेज क्या है, फेज ये है कि जब उसका संगठन ताप दाब अगर पूरे सिस्टम में सेम है तो वो एक फेज है, दैट इज़ होमोजीनियस। लेकिन अगर कहीं एक से ज़्यादा होमोजीनियस फेजेस प्रेजेंट हैं तो हम उस सिस्टम को कहेंगे हेटरोजीनियस सिस्टम, और उन फेजेस के बीच में अगर कोई इक्विलिब्रियम हो तो हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दो फेजेस के बीच में, यहाँ वेपर और मान लो वाटर वेपर और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है तो हम कहेंगे कि यह, तो इस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसका कंपोजिशन जो है वो नहीं चेंज होगा, जो सिस्टम है उसका कंपोजिशन सेम बना रहेगा, इसका कंपोजिशन सेम बना रहेगा, इसकी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहेंगी, फ्लो नहीं होगा मैटर का, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखूं कि NH4Cl है उससे NH3 प्लस HCl, ये गैस बनी और ये सॉलिड था, मैंने इसको गर्म किया किसी बंद पात्र में, इसको मैंने जब गर्म किया तो इसने ये दो गैस कंपोनेंट बनाए NH3 और HCl। ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है, बट ये केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ एक फेज रिएक्शन भी है, इसे प्रवस्था समीकरण कह सकते हैं। फेज का मीनिंग ही प्रवस्था, प्रवस्था समीकरण क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ है, गैस में। वो सभी रिएक्शन जैसे पिघलना, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में,
उर्ध्वपातन सब्लिमेशन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। जमना फ्रीजिंग जो है वो इसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। इन सब में क्या हो रहा है कि फेज चेंज हो रही है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो दो डिफरेंट फेजेस को, दो होमोजेनियस सिस्टम के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, फेज इक्वेशन कहलाती हैं। तो ये एक केमिकल इक्वेशन भी है और एक फेज इक्वेशन भी है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं N2 प्लस 3S2 गिव्स यू NS3, तो वी ऑल नो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। सो फॉर्मेशन ऑफ NS3 फ्रॉम N2 एंड H2, ये एक केमिकल इक्वेशन तो है, केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन ये एक फेज रिएक्शन नहीं है। ये एक फेज रिएक्शन भी है और एक केमिकल रिएक्शन भी है, जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है ये। लेकिन ये जो ऊपर वाली जो रिएक्शन हमने लिखी है, ये रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ये फेज रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी फेज का, एक फेज का किसी दूसरी फेज में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो आप समझें बात को, जब मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, कोई केमिकल इक्वेशन बनाता हूँ, केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, तो उस रिएक्शन में अगर उसके रिएक्टेंट्स जो हैं उनमें फेज कन्वर्जन था, आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को बाय मीन्स ऑफ फेज डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो वो रिएक्शन कहलाती है फेज रिएक्शन। तो यहाँ NH4Cl सॉलिड है और ये दोनों गैस हैं, आप बिल्कुल आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो ये एक फेज रिएक्शन है। यहाँ आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये क्या है, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है, ये फेज रिएक्शन नहीं है। तो गिब्स ने क्या किया, गिब्स ने ये जो मैंने बातें की केमिकल कंपोजिशन, फेज, ये उसके वेरिएबल्स, तो इन तीनों के बीच में गिब्स ने एक रिलेशन बताया। उन्होंने क्या रिलेशन बताया, उन्होंने रिलेशन बताया एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू। ये एक रिलेशन बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्र चर राशियों की, तो ये है प्रेशर, टेम्परेचर और उसका कंपोजिशन, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक सिस्टम जो पैमाने बदल सकता है, जो उसमें वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सी कंपोनेंट, कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, वो किस किस से बना है, दैट इज कंपोजिशन से। तो सी जो है वो उसके कंपोजिशन। पी फॉर फेज, वो कितनी फेजेज में रहता है, मतलब वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, या दो सॉलिड हैं वहाँ, दो तरह के लिक्विड हैं। जैसे अगर मैं फिनॉल और वाटर लूँ तो आप उसे चाहे कितना ही शेक कर लें, आपको दो अलग अलग लेयर मिलेंगे, एक फिनॉल की, एक वाटर की, और वहाँ एक स्पेसिफिक बाउंड्री होगी। तो आप शेक करने के बाद जब उसे रखेंगे, तो आप बता सकते हैं कि ये हिट्रोजीनियस सिस्टम है, ये एक पार्ट जिसमें वाटर है और एक पार्ट है जिसमें फिनॉल है। तो ये किसको बता रहा है, ये फेज प्लस टू। इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे आगे वाली क्लासेस में। तो ये उसके वेरिएबल्स के, उस सिस्टम के वेरिएबल्स के, उसके कंपोजिशन पे और उसके फेज के बीच में जो रिलेशन बताता है, दैट इज़ नोन एज फेज रूल। और इस फेज रूल के बिहाब पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, कि कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस ही क्यों कहते हैं, क्यों आयोडीन है वो डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाती है, आयोडीन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, क्यों स्नो बनती है, इस तरह के जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं, उन सब का जवाब देता है आपका फेज रूल। तो फेज रूल को समझने के लिए, या किसी फेज रूल से एसोसिएटेड किसी कंपोनेंट का, वाटर का या किसी और सब्सटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके डायग्राम्स या इनके फेज के, फेज रूल के जो आरेख हैं, वो देखने से पहले हमें ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट और फेज, ये तीन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखना है। तो हम वन बाई वन देखेंगे कि फेज से हमारा क्या मतलब है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमारा क्या मतलब है, और कंपोनेंट से हमारा क्या मतलब है। तो जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, उससे हम ये फेज रूल वाला टॉपिक सिस्टमेटिकली शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे कि फेज वर्ड है उससे क्या मतलब है, और किसी फेज इक्वेशन में
कितनी फेजेस प्रेजेंट हैं, फेज रिएक्शन में कितनी फेजेस रिएक्शन है, किसी फेज ट्रांजिशन में कितनी फेजेस पॉसिबल हैं, उसे कैसे काउंट किया जाता है, ये एक फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ लिखना होगा कितनी फेजेस हैं। तो आप किसे फेज कंसिडर करेंगे और किसे नहीं करेंगे, किसे मिनी कंपोनेंट का मिनिमम, मतलब ये नहीं है कि आपने कोई इक्वेशन लिखी, आपने लिखा CaCO3 गिव्स, आपने इसको गर्म किया और ये CaO प्लस CO2 बना रहा है, तो आप कह देंगे ये थ्री कंपोनेंट सिस्टम है। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि इसकी फेज क्या है, इसकी फेज क्या है और ये क्या है, और आप कितने मिनिमम कंपोनेंट से उसके हर कितने मिनिमम केमिकल फॉर्मूला से उसके सभी कंपोनेंट को जस्टिफाई कर सकते हो, वो नंबर है कंपोजिशन का। तो ये भी हमें देखना होगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने जो सिस्टम लिया है उसमें कितने वेरिएबल्स आप उस सिस्टम की फेज को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, हैं आपके पास तीन, लेकिन क्या आप तीन यूज़ कर पाते हैं, कितने उस पर्टिकुलर इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए नीडेड है, तो ये सब चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे और आपको बहुत सारे जनरल लाइफ के इक्वेशंस के आंसर यहाँ मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करते हैं फ्रॉम वर्ड फेज, कि किसी फेज रिएक्शन में कितनी फेजेस प्रेजेंट हैं। ओके, थैंक यू।